गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के बारे में। Redmi Note 4 के अंदर अगर आपके मैसेजेस नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर मैसेजेस को भेजने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मिनिमाइज कर देना होगा आपको और अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिल सकता है अपडेट में, बाकी सब चीज़ आपको सेम मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है। इंस्टॉल्ड ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है मैसेजिंग, तो MES लिखते ही यहाँ पर जो आपको ऊपर ही मैसेजिंग लिख जाएगा, तो इसको खोल लेना है आपको। खोलने के बाद यहाँ पर इसका क्लियर डेटा कर देना होगा, ओके कर देना है और क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैसेजिंग दोबारा दिखेंगे, तो इसको आपको दोबारा खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ कर देना होगा, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसको जो है आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर हम वहीं पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे मैसेजेस नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ पर मैं दोबारा मैसेज टाइप करता हूँ और सिम सिलेक्ट करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे मैसेजेस थे वो जाने लग चुके हैं। तो इस तरीके से आप मैसेजेस को भेज सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।